देखिए, एनिमल मैनेजमेंट के साथ साथ हमको जो ओवरऑल जू मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें हम लोगों को जो हमारे विजिटर्स आते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, और मेनली उनको कंफर्ट कितना लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स अच्छे से कंफर्ट जोन में रह के एनिमल्स को देख सके, जू विजिट कर सके, जू की एक्टिविटी को समझ सके। तो हम लोग को जो विजिटर्स आते हैं उनके एमिनिटीज को ध्यान में रखते हुए जो सीट आउट बनाते हैं, शेड बनाते हैं, पाथवे बनाते हैं, उसके अलावा जो मुख्य डिमांड अभी तक जो आ रही थी उसमें लगातार बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी, क्योंकि जू अब क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका है, करीब 2-3 एकड़, 2-3 से 3 करीब करीब माइल के आसपास एरिया हो जाता है ये, और इतना लंबा, इतना 2-3 किलोमीटर का एरिया घूमने में काफ़ी समय लग जाता है। और ऐसे बच्चे, ऐसे महिलाएं आती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, या ऐसे विजिटर्स आते हैं जिनके घुटनों में या पैरों में दर्द, चल नहीं सकते, तो उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं हम लोगों ने ये बैटरी ऑपरेट गाड़ियों की सुविधा विजिटर्स को प्रोवाइड की है, जिसको हमारे दर्शक काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, और लगातार गाड़ियाँ हमारी चलती भी रहती है और उसका काफ़ी उपयोग भी हो रहा है। इंदौर जू में अब तक कितनी बैटरी कार है, और सबसे ज़्यादा जो विजिटर या प्रवासी भी आए हैं तो उन्होंने किस तरीके से उनका एक फीडबैक रहा? नहीं, निश्चित रूप से, चूंकि गाड़ी पे बैठ के एनिमल्स देखना, जू विजिट करना है अपने आप में एक बड़ा रोमांचकारी एक्सपीरियंस होता है, और लोग उसको काफ़ी एंजॉय करते हैं। जो बाहर के लोग आते हैं वो भी उसको बड़े अप्रिशिएट करते हैं, स्कूल के जो ट्रूप्स आते हैं वो भी काफ़ी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उनको गाड़ी की काफ़ी डिमांड रहती है। अभी हम पहले हमने 2 गाड़ियों की व्यवस्था करी थी, बाद में फिर हम लोगों ने 1 गाड़ी और बढ़ी, चूँकि डिमांड बढ़ती गई तो 3 गाड़ियों की व्यवस्था करी, और 3 गाड़ियाँ लगातार हमारे जू में चलती रहती है, और अगर विजिटर्स की डिमांड अगर आती है तो निश्चित रूप से आगे भी बढ़ाने का सोचा जाएगा। मेरा तो फॉर मी इट इज़ फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर, और यहाँ पे बैटरी कार को छोड़ के भी बहुत ही अच्छे से फुली मेंटेन्ड है। रिसेंटली मैं मुंबई में बाइकुलर जू गया था, तो आई कंपेयर कर सकता हूँ कि बाइकुलर जू तो कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे जिस तरीके से मेंटेन्ड है, फिर ये इलेक्ट्रिक कार है और एनिमल्स भी कितने, मतलब आपको देख के यू फील द, हाँ, मतलब फील द वाइब्स की, एनिमल्स भी मतलब अच्छे से मेंटेन है, अच्छे से खा रहे हैं एंड एक्टिव एक हैं। वाइब्स जो यहाँ का है जू का, हाँ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो सफर है अब वो मिनटों का हो गया है, और एक आनंद भी कहेंगे कि बैटरी की कार में आराम से बैठकर अपनी फैमिली के अपनी साथ। फैमिली के साथ बहुत जल्दी पूरा टूर हो जाता है। आज तो ठीक है, मौसम सही है, अगर धूप रहती है उस समय बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है, और पूरा जू घूम लेते हैं तो बहुत ही। आपने इस बैटरी कार में क्या पे किया, और क्या आप संतुष्ट हैं अपनी जो राइड से? यस यस, पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। पे मेरे को करना है अभी होने के बाद, 300 रुपये, 300 रुपीज़ चार्ज है, तो नॉमिनल नॉमिनल फीस है, नॉमिनल फीस है, तो पूरा नाम मृगेंद्र सिंह परिहार।